자기 아기 환자. 아이 맘. 그래서 이제 밀리에 빅 보스 키 우르피 세. 자. I'm very sad big boss. के उर्फी पहले हफ्ते में आउट हुई. I'm really sad. Please put her again. Because she is very talented. राखी की तो बिग बॉस को सुननी ही पड़ेगी. है कि नहीं है? बिग बॉस मेरे पति है ना. मैं उनकी पहली पत्नी हूँ. मैं एक्स्ट्रा मैरिटल करने को तैयार हूँ बिग बॉस के साथ. ओह गॉड. मतलब तुम दिव्या अग्रवाल का काम करोगी. वो जैसे बीच में कबाब में हड्डी घुस जाती है दो लोगों की. यार मैं मसाला बनूंगी ना ऊपर से. हड्डी नहीं बनना है, मसाला. ओके उर्फी जी, कौन परेशान किया आपको बिग बॉस हाउस में? सॉरी, ज्यादा कौन परेशान किया था आपको? दिव्या और जीशान और किसने, सबने देखा तो हुआ है यार. मतलब कनेक्शन ही तोड़ दिया, 3 साल की दोस्ती तोड़ दी उसने. फिर अब उसके साथ जो हुआ वो तो सबको ही पता है कल क्या हुआ है. कल जीशान भी निकल गए. तो सच है कि भगवान है. कर्मा कर्मा भाई कर्मा. मेरी जबान बहुत ही, तो बच के रहना दुनिया वालों. मैं जो बोलती हूँ फिर तो लगता है लोगों को. हाँ बट जीशान ने तुम्हारा कनेक्शन नहीं तोड़ना चाहिए था. आई फील मैं उसके साथ एंड तक लॉयल रहती. दोस्ती निभाती यार 3 साल की. अरे तू, मैं तुम मुझे पहले मिलके जाती तो मैं तुझे बताती. अच्छा हलवा बना के जीशान को खिलाती तू. उसके कपड़े तो ओए होए, राहुल महाजन के कपड़े मैंने धोए थे. इतने गंदे 100 सालों से उसके कपड़े नहीं धोए थे. जीशान के बाथरूम मैं नहीं धो सकती थी, ये तो सिर्फ राखी ही कर सकती थी. मैं नहीं उसके बाथरूम. बट देखो ना, दिव्या ने कितना अच्छा प्लान किया था. तुमने देखा उसको कैसे कनेक्शन तोड़ा और फिर तुमको घर से बाहर निकलना पड़ा. उसने एक तीर से 2 निशाने किए. दिव्या तो है ही. दिव्या ने एक तरफ इसका कनेक्शन तोड़ा, फिर जीशान को पटाया, उसका कनेक्शन बनाया और इसको घर से बाहर कर दिया. वो उसका यही काम है, हर शो में जाके वो यही करती है. उसका बस लड़कों को इधर उधर ऐसे ही पटाती रहती है. सो बट मैं चाहती हूँ बिग बॉस के उर्फी को 1 more chance मिले. शी शुड गो 1. आई मीन अभी वो जख्मी शेरनी है, जख्मी नागिन है, तो जाके अंदर बदला जरूर लेगी. बदला लेने वाला ही बाहर चला गया. किसके अंदर जाके बाहर आके बदला. हमारी सौतन भी तो है अंदर. हाँ उससे भी थोड़ा बहुत उसको डस सकते हो जाके. जो मिस यूनिवर्स समझती है अपने आप को, वो मिस रियलिटी क्वीन अपने आप को समझती है. एक बार राखी सावंत से मिलाओ यार उसको. यहाँ पे है रियलिटी क्वीन, प्लीज टेल दिव्या. हाँ वो डसती है सबको. और कितना डसोगी यार, जहर ही नहीं खत्म हो पा रहा है. जो टंकी लेके आई है जहर की, वो खत्म नहीं हो पा रही है उनसे. है ना? हाँ चली रही है. आंसुओं की टंकी उनकी लगी हुई है और जहर की टंकी भी यहाँ लगी हुई है. बताओ अरे दोस्तों क्या मिस कर रहे हो यार. बिग बॉस देखो OTT पे जाके 24/7 में आग लगी हुई है यार, जाके देखो. शमिता के गेम प्लान को कैसे देखते शमिता शेट्टी? शी इज इन लव. अभी उनका थोड़ा पनप रहा है. क्या पता हमें शादी देखने को मिल जाए बिग बॉस में. हो सकता है. माय गॉड, ये इनके म्यूजिक क्यों चालू हो गया. हाँ पता है, शमिता शेट्टी को राकेश बापट को प्यार हो गया है दोस्तों. मैं क्या बताऊँ आपको. बीच में वहाँ पे भी दिव्या टांग अड़ा रही है. दिव्या वहाँ पे भी टांग अड़ा रही है. तो ये पता नहीं कैसे उनकी लव स्टोरी पनपेगी बिग बॉस में. दिव्या को निकालो तभी कुछ. यू नो उर्फी, आई मस्ट टेल यू दैट दिव्या बहुत अच्छा गेम खेल रही है. सबको डस रही है और सबके रिलेशनशिप में जा रही है. सबको लड़ा लड़ा के सबको भगा देगी. और एंड में जो फाइनल सलमान खान का बिग बॉस आएगा, एंड में वो जाएगी. हाँ, सलमान खान उनकी बैंड बजाएंगे. सलमान खान समझ जाएंगे सबको. सलमान जी तो किसी को नहीं छोड़ते. सलमान जी तो दिव्या तुम्हारा जहर ऐसे एड़ी के नीचे पैर में ऐसे, ये देखिए ऐसे 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 तोड़ देंगे. क्योंकि देखिए नो डाउट एवरीबडी इज प्लेइंग वेरी नाइस, बट आई एम अपसेट अबाउट हर के तुमको इतने जल्दी नहीं जाना चाहिए था. मैं हम लोग बिग बॉस हाउस में चलते हैं. मैं वापस स्पाइडरमैन वाला ड्रेस पहनती हूँ, तुमको उड़ाती हूँ ऐसे, तुमको बिग बॉस हाउस में वापस डाल देती हूँ. मैं कुछ स्पाइडरमैन नहीं, मैं बैटमैन बन जाती हूँ. मैं कुछ तो दोनों बैटमैन चमगादड़ चमगादड़ बन जाऊंगी. मैं स्पाइडरमैन और चमगादड़ बैटमैन. चमगादड़ आदमी नहीं, चमगादड़ वुमेन. वुमेन तुम चिपक जाना इस बार. जाके गेट से चिपक जाओगे, खोलो नहीं तो अब मैं नहीं निकल रही. बिग बॉस कितना भी बोलो उर्फी आउट, तुम बिग बॉस को बर्फी दे देना. मैं जाके कोने में छिप जाऊंगी, निकाल के दिखाऊं मुझे यहां से. कैमरों की नजर, मैं कैमरों के तार उतार दूंगी जाके. इस बार तो तुम प्रतीक को पटा लेना एकदम. क्योंकि नेहा बसीन का दिल अभी प्रतीक पे बहुत ज्यादा आ रहा है. नेहा को थोड़ा सा हमको खिसकाना पड़ेगा, साइड करना पड़ेगा. अब आ रही है उर्फी वापस बिग बॉस में. आना चाहिए जरूर. आएगी
और मैं मेरा पूरा एकदम ब्लड इसको मैंने डाल दिया इसके ब्लड में और पूरा आशीर्वाद है और पूरा एकदम अंदर जाके ना धमाका करेगी करूंगी इस बार गई तो बहुत बड़ा धमाका होगा है ना एकदम तोड़ फोड़ मतलब उस टाइप का तोड़ना मन वापस वो जिशान की तरह दिमाग तोड़ूंगी ना सबके हां जिशान को देखा यहां एकदम खरोच वरोच देखी कितनी एक खरोच आई है थोड़ा नाटक ज्यादा कर रहा है बट ठीक है उसको बुरा लग रहा है ऑल्सो फील बैड फॉर हिम नहीं बट बिग बॉस में अलाउड नहीं है ना कि ऐसे हाथापाई करना एक दूसरे को मारना डंडे झंडे पता नहीं क्या 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 तोड़ रहे थे मार रहे थे पीट रहे थे एक दूसरे को बहुत बुरा धक्का दिया बट I still feel bad for him जैसे वो निकला है मतलब बहन मेरी नाक तोड़ी गई थी मुश्किल से रिपेयर हुई है मेरे पास वीडियो है डॉक्टर के पास मैं गई थी फिर से रिपेयर करने नाक तीन हफ्ते तक सूजी हुई थी नाक बाप रे बाप मुझे नाक को नहीं तोड़वानी है मैं थोड़ा सा दूरी रहूंगी सबसे और गाइस कोई न्यूज़ बताओ बस यही थी ब्रेकिंग न्यूज़ जिशान की हाँ ब्रेकिंग न्यूज़ तो अभी हम लोगों ने दे दी बट आप लोग सब लोग प्रे करो कि उर्फी फिर से जाए बिल्कुल और आप लोग एकदम आंदोलन कर दो मीडिया वालों उर्फी के लिए बनता है बिकॉज मुझे जब स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि उर्फी लंबी रेस की घोड़ी है और वो जिस टाइप की कॉमेडी कर रही थी ना मैं अपने आप को देख रही थी उर्फी में और बस सबसे ज़्यादा मुझे दुख हुआ इवन विकास भाई ने बोला ना कि हाँ, यो, अभी विकास भाई से बात हुई इवन ही वाज अपसेट के वो भी अपसेट है हाँ, कि ही एक्सपेक्टेड कि मैं ज़्यादा टिकूंगी मुझे भी लगा था कि हाँ। ये टिकेगी एंड तक मुझे तो लगा था मैं जीती जाऊंगी यार सच पर मैं भी वहाँ पे मैनिपुलेट करते हैं वो दिव्या कितना दिव्या और सब लोग कितना मैनिपुलेट कर रहे हैं अरे वो तुम्हें क्यों नहीं इसको सब लोग रोक रहे थे बोलो मत क्यों नहीं बोली यार मैं यहाँ से डसने वाली नागिन हूँ मुँह से वो थोड़ा पूंछ से डसने वाली नागिन है ना वहाँ थोड़ा गलती हो गई मैं उसकी पूंछ नहीं पकड़ पाई पिछवाड़े से डसना क्या होता है हाँ भैया ये क्या था बट ठीक है अभी कभी कभी नागिन को डसने के लिए नेवला भी आता है तो अभी उर्फी नागिन नहीं है अगर दिव्या नागिन है तो उर्फी नेवला है जाएंगे अब नेवला नहीं शेर बन जाएंगे सीधे शेर नहीं वहाँ पे जाके हाँ, अगर गए फिर हाँ, दिव्या देखेंगे अभी होगा उर्फी और दिव्या का झगड़ा लफड़ा नेवला नेवली और नागिन का नेवली का बदला नो नागिन का बदला इस बार अब कलर्स पे नागिन वागिन नेवली आएगा इच्छाधारी नेवली इच्छाधारी नेवली हो गया नागिन का खत्म ओके चलो एक एक फोटो कर मैं जिशान को कब से फोन कर रही हूँ वो पता नहीं कहाँ फोन बंद करके डिप्रेशन में बैठा हुआ है आई नीड टू टॉक टू चालू हो जाएगा फोन चालू हो जाएगा हाँ और मुझे तुम्हारा दोनों का पैचअप करवाना है हाँ करना है तो तुम दोनों को मजा आएगा जब तुम दोनों वापस अंदर जाओगे एक साथ और सबको फेंक दोगे हाँ ये नहीं हाँ जी बोलिए अच्छा क्या मदद चाहिए बिहार से आए कैसे आए सुसाइड करने जा रहा था क्यों तो अरे सुसाइड क्यों करना कोरोना तो तुम्हारे घर में नहीं आता सबके घर में आया था सुसाइड क्यों करना एक ही जिंदगी है बेटा उतार चढ़ाव जिंदगी में आता रहता है कोरोना आया भी और चला भी गया मुंह उठा के तुम बचे हो ईश्वर को शुक्रिया अदा करो है कि नहीं बेबी सुसाइड तो आप कभी भी कर सकते हो वो तो ऑप्शन हमेशा है ना आपके पास मतलब वो कभी भी कर सकते हो पहले ट्राई तो करो जिंदगी ये करो तंबाकू देखो तंबाकू देखो कितना खा रहा है तुम कितने ये क्या क्या पैसा अच्छा कितना पैसा चाहिए और क्या करोगे दुकान चलाओगे कि दारू पियोगे और ड्रग्स लोगे पक्का सच बताओ पक्का वादा तंबाकू खाते हो नहीं तंबाकू भी नहीं खाना है ना मत खाओ पीछे है देखो ठीक है मैं आपसे कांटेक्ट करती हूँ यहाँ के वॉचमैन कोई होगा ना उसका नंबर दे देना मेरा ड्राइवर है राम से मिला देना जरा दोस्तों हाँ मैम ठीक है ना हाँ। वो हम जितना आपसे मदद हो सके पहले मैं आपका बैकग्राउंड चेंज करूँ चेक करूँगी समझ गए
क्योंकि मैं पैसा दूंगी बट अंधे होके पैसा मैं नहीं दे सकती हूँ। पहले देखूंगी कि आप पैसे का इस्तेमाल सही करोगे या नहीं, क्योंकि मैं किसी भी इंसान को जॉब लगा सकती हूँ, पैसा दे के उसके आदत बिगाड़ नहीं सकती हूँ मैं कि तुम आप आज आपने मेरे पास मांगा किसी कल किसी और के पास मांगोगे, नहीं है ना, बट हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। ठीक है, थैंक यू, चलो चलते हैं। हाँ मेरा ड्राइवर है, देखो उधर मिलवा देंगे, अभी हम लोग मिलवा देंगे, मिलवा देंगे। चलो चलो मिलवा देंगे। कनेक्शन तोड़ दिया था और पूजा, सॉरी दिव्या अग्रवाल, पूजा बोल रही हूँ, पूजा करने के लायक ही है, दिव्या अग्रवाल के साथ कनेक्शन जोड़ा तो इसके साथ नहीं, उर्फी के साथ नहीं तोड़ना चाहिए था कनेक्शन, आज वो आउट नहीं होती एंड बिकॉज इसमें इतना दम है कि वो एंड तक रहती। ये राखी सावंत कह रही है दिव्या ने इसके पर पूरा जादू किया, डसा है और पूरा षड्यंत्र रचा के उर्फी को आउट किया है, पूरा षड्यंत्र रचा उसने जीशान को अपने वो डोरे जो डाले ना और खींचा, उसके बाद तो मैं फिर मैंने फोन किया था बट अभी पता नहीं डिप्रेशन में है, सैड है क्योंकि वो कह रहा है कि उसके बॉडी पे चोट आई है, वो अभी दो दिन रेस्ट करेगा उसके बाद वो मुझसे बात करेगा। लेकिन लेकिन लोग कहीं ना कहीं ट्विटर पे कई फैंस ये भी बोल रहे हैं कि मतलब कि सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने सीजन में बहुत ज़्यादा मतलब वो वाइल्ड हो गए, उन्होंने धक्का भी दिया, पुश भी किया, उनको नहीं निकाला, जीशान को निकाल दिया, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या देखो बिग बॉस पे अपना है, बिग बॉस की आंखें जो है ना वो कुछ नहीं छुपता है, बिग बॉस ने देखा है किसने क्या मारा, वो जूम कर 10 बार नहीं 100 बार जूम कर करके देखते कि किसका कसूर है। इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो कुछ तो देख के ही लिया, बिग बॉस का डिसीजन परफेक्ट होता है बट अभी वो आज एपिसोड देखो ना आप लोग, मैं चाहती हूँ देश की जनता आज एपिसोड देखे, वो डाउनलोड करो और बिग बॉस ओटीटी पे जाओ और कितनी छोटे हाथ पैर भी तोड़े गए लिटरली, वो निशांत का पूरा हाथ ऐसे तोड़ दिया, वो मैंने कहा लाइव पे देखा था बट बिग बॉस ने अगर ये डिसीजन लिया है तो कुछ तो सोच समझ के लिया, बिग बॉस का डिसीजन गलत कभी नहीं होता, बिग बॉस सब देख रहे हैं भाई। अब जीशान तो आ गए, अब किसको सपोर्ट कर रही हैं आप? मैं तो प्रतीक को ही सपोर्ट कर रही हूँ ऑलवेज, प्रतीक प्रतीक प्रतीक, आई थिंक ही इज अमेजिंग, ही इज वंडरफुल, बहुत सही खेल रहा है प्रतीक का, प्रतीक नेहा बसेन जो प्रतीक पे पूरे डोरे डाल रही है और यहाँ पे उर्फी का दिल जल रहा है बहुत ज्यादा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मेरा दिल किस साइड है क्योंकि जलन इतनी ज्यादा हो चुकी है। उसने प्रतीक अपने एप्पल अपने बॉडी पे लगा लगा के नेहा बसेन को दिया और नेहा बसेन वो एप्पलों का जूस पी रही है और छिलके उर्फी को दे रही है। नहीं नहीं, मुझे छिलके भी नसीब नहीं हुए, मुझे छिलके तक नसीब नहीं हुए, वो छिलके भी निकल गई नेहा। लेकिन तुम्हें जाना है बिग बॉस में, एप्पल वेप्पल जूस वो छिलके सब छीन लेने हैं। अरे नेहा के भी छीन लूंगी मैं, तो जाने वाली है दोबारा, सरप्राइज, थोड़ा सरप्राइज रहने दो ना, आई कांट से एनीथिंग, आई एम सॉरी। तो ओके, अगर इस बार अगर अंदर गई तो अंदर की स्ट्रेटजी क्या होगी इस बार? वो यहाँ कैसे बता दूं मैं, फिर तो आपको सोचा होगा कि इस बार अब तो बाहर अभी क्या बोला, सरप्राइज, वो भी सरप्राइज ही रहेगा। अब ये जख्मी शेरनी, जख्मी नागिन, जख्मी चमगादड़ है तो सोच सकते हो कि क्या होने वाला है, अगर ये अभी अंदर गई तो सबकी बैंड बजा देगी, खटिया खड़ी कर देगी। राखी की भी टिप्स है आपके साथ में, पूरे के पूरे राखी ने मुझे ट्रेन कर दिया है, तो अब जो मेरे जखन पे मुझे कैसे वो लगाना है ना, ऐसा ट्रेन कर दिया है कि अब ना रुकने वाली ट्रेन है, ये बुलेट ट्रेन बन चुकी है, अभी उड़ भी जाएगी ये ट्रेन, अब देखना। थैंक यू सो, थैंक यू, थैंक यू, ओके जी, आ जाओ, ओके बाय, मेरे ड्राइवर को नंबर दे देना।
जिम में आने वाला है क्या उर्फी जी? 1 मिनट, 1 हो गया वो दादा।